अब नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन्स हियर वी कम। अब तक आपने देखा कि जब आप जर्नी स्टार्ट की थी तो आप कौन कौन से जगह से आ रहे थे। पहला उत्तराखंड, फिर आप कहाँ से गुजरे थे, बीकानेर एक शहर है, पानीपत, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश एंड उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये सारे शहर थे जिससे हम टाउन्स मतलब छोटे शहर, ठीक है, जैसे आपका मोगा हो गया, ये सारे टाउन्स होते हैं। तो यहाँ से हम गुजर रहे हैं। तो अब जब हम गुजर रहे थे तो हम एक नेशनल हाईवे रोड के ऊपर से ही गुजरेंगे, हम गलियों के अंदर से तो नहीं जा सकते। सो वी कवर्ड ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर्स ऑन द नेशनल हाईवे 15 एंड ट्रैवल फॉर 4 डेज। हम कितने दिन के लिए गए थे, 4 दिन के लिए, ठीक है। नेशनल हाईवे 15 को हमने कवर किया है, उसके बीच में ये सारे टाउन्स आ रहे हैं और 1200 किलोमीटर्स तक हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं। वी देन विजिटेड द नंदा देवी नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन द हायर रेंजेस ऑफ द हिमालयस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से माउंटेन्स को हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जैसे हम हिमालयस की तरफ गए हैं तो वहाँ पे सबसे पहला कौन सा आया, नंदा देवी नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन द हायर रेंजेस ऑफ द हिमालयस। नंदा देवी इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन इंडिया एंड द पार्क इज सराउंडेड बाय द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑन द 3 साइड्स। अब नंदा देवी क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इसमें क्या लिखा है और ये कितनी ऊंची है, 7800 meters, ठीक है। तो नंदा देवी जो पहाड़ है, जो माउंटेन है, वो हिमालयस में है और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की। दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को की तरफ से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा गया है। हेरिटेज साइट मीन्स जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं घूमने फिरने के लिए, ठीक है, वहाँ पे वो लोग रह भी सकते हैं, ओके, तो उसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। द हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब हिमालयस को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट को फोल्ड करके बने हैं। अर्थ क्रस्ट मतलब जो अर्थ की ऊपर वाली लाइन है, लेयर है, उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ये तो आपको पता है, आपने लेयर्स पढ़ी हैं अर्थ की, लास्ट क्लास में 3 लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है, आउटर सरफेस, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट को फोल्ड करके ही माउंटेन्स बनते हैं, इसलिए हम इनको, हिमालयस को, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। When two plates or paths of the earth move towards each other and collide, the rocks slowly rise to form mountains. तो अब हम देखेंगे माउंटेन्स कैसे बने हैं। When two plates or paths of the earth, जब दो प्लेट या फिर दो पार्ट्स अर्थ के एक दूसरे के साथ चलकर, एक दूसरे के साथ टकरा के रॉक्स बनते हैं, तो वो रॉक्स धीरे धीरे उसके ऊपर जम कर माउंटेन्स बनने लग जाते हैं। When two plates or parts of the earth move towards each other, जब दो पत्थर एक दूसरे की तरफ टकराते हैं तो वो कोलाइड होकर रॉक्स बन जाते हैं और वो धीरे धीरे रॉक्स के ऊपर रॉक्स जमा होते होते वो माउंटेन्स बनते हैं। These mountains are 10 to 25 million years old and have conical peaks. और धीरे धीरे उनकी ये conical peaks हो जाती है। Conical peaks means यहाँ पे आप देख सकते हो कोन शेप बना हुआ है ऊपर में, ठीक है, ये जो शेप है ये कोन शेप है। तो इस तरह से conical shape की वो mountain की peak होने लग जाती है, जिसको हम mountain peak कहते हैं। Mountains are landforms that are much higher than the surrounding area. अब mountains भी landform ही होते हैं, but वो surrounding area से थोड़े ऊंचे होते हैं। दे हैव ग्रेट हाइट एंड अ प्रेटी स्टीप एज वेल। इनकी काफ़ी लंबी ऊंचाई, हाइट भी होती है और एक प्रेटी स्टीप होती है। स्टीप मीन्स इस तरह के जो फिगर है, इसको हम स्टीप कहते हैं, ठीक है, नुकीली चीज़, ओके, मीन्स जहाँ से यू कैन सी, यहाँ पे इस तरफ गढ़ा रही हैं, इस तरफ आप जा सकते हो नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसको हम माउंटेन स्टीप कहते हैं। At times they have sharp peaks and sometimes they are little rounded. जैसे ये थोड़ी सी little round है, ठीक है, but आपने कई peaks आपने ऐसे भी देखी होगी mountain की जो बिल्कुल तीखी है, okay? तो कई तीखे mountains भी होते हैं और कई rounded shape के भी होते हैं। Hills are smaller versions of mountains. अब hills क्या होते हैं, ये mountains के smaller version होते हैं। इसको भी आप underline कर लो, hills क्या होते हैं, mountains के smaller version को hills कहते हैं। A mountain range is a collection of mountains that are located in close proximity to each other. अब हम देखेंगे माउंटेन रेंज क्या है, अंडरलाइन दिस ऑल्सो।
माउंटेन रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स दैट आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. प्रॉक्सिमिटी मीन्स आसपास. अगर हम आसपास में जितने माउंटेन्स को देखेंगे, एक माउंटेन के पास दूसरा माउंटेन है, दूसरे के पास तीसरा माउंटेन है, तो उनको हम माउंटेन रेंज कहते हैं. ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन रेंजेस आर एंड्स इन साउथ अमेरिका, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एल्प्स इन यूरोप एंड हिमालय इन एशिया. अब आप एशिया में हिमालय देखोगे तो हिमालय सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, वो काफ़ी माउंटेन्स मिल मिलकर हैं. ठीक है, तो उसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं. ओके, माउंटेन रेंजेस कैन ऑफन बी पैरेलल टू ईच अदर एंड कवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. अब माउंटेन रेंजेस एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हो सकती हैं और काफ़ी हंड्रेड किलोमीटर्स तक वो चल सकती हैं. ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने एक माउंटेन के बारे में स्टडी की है. कौन सा माउंटेन था वो? नंदा देवी. ठीक है, वो क्यों स्टडी की? क्योंकि हम नंदा देवी पार्क में जा रहे थे. ओके, अब इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं. ओके, इसको सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया भी बोला गया है. उसके बाद हमने देखा कि माउंटेन फोल्ड हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट को ही फोल्ड करके बने. उसके बाद हमने ये भी देखा कि माउंटेन्स एक लैंडफॉर्म भी है. ठीक है, हिल्स क्या होते हैं, और इनकी एग्जाम्पल्स के साथ हमने माउंटेन रेंज भी देखी है कि माउंटेन रेंज क्या होती है. अब हम देखेंगे कि इन माउंटेन्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हम माउंटेन्स चाहिए. द मेजेस्टिक माउंटेन्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री. अब जो ये माउंटेन्स होते हैं, मेजेस्टिक मीन्स द ब्यूटीफुल माउंटेन्स जो होते हैं, वो एक बैरियर की तरह होते हैं जो हमारी कंट्री को बचाते हैं. द माउंटेन स्लोप्स आर फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल हर्ब्स. अब आपने जो माउंटेन्स के स्लोप्स होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत, उसमें फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, फॉरेस्ट भी होते हैं, जंगल एरिया होता है वो, और उस जंगल में कई ऐसे पौधे होते हैं जिससे हम मेडिसिन बना सकते हैं, तो उसको हम मेडिसिनल हर्ब्स कहते हैं. ठीक है, द मेल्टिंग स्नो ऑफ हिमालयस प्रोवाइड पेरेनियल वाटर टू द रिवर्स. पेरेनियल वाटर मीन्स जो आपके अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम पेरेनियल वाटर्स कहते हैं, जो रिवर को बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, तो अब उस हिमालय की जो मेल्टिंग स्नो है, जो स्नो मेल्ट हो जाती है, वो हिमालय से निकल के रिवर की तरफ चलती है, और रिवर का जो पानी है पेरेनियल वाटर, उसे हम अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, वो रिवर्स की तरफ चला जाता है. दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स एंड प्रिवेंट द मॉइस्चर लैंडन विंड्स फ्रॉम द साउदर्न साउथ वेस्ट मानसून टू मूव अक्रॉस टू चाइना. अब वो हमारी कंट्री को विंड्स से भी बचाते हैं. विंड्स मीन्स जो तूफान होते हैं, आपको पता है ना कि जब बारिश होती है तूफान आता है ना, तो अगर ज़्यादा तूफान ना हो, इससे भी हमारी कंट्री को जो हिमालयस हैं वो बचाते हैं. कैसे? जो कोल्ड विंड्स हैं नॉर्थ साइड से आ रही है उसको बचाते हैं, ताकि वो ज़्यादा ना आए या फिर लोगों को नुकसान होगा. ओके, एंड प्रिवेंट द मॉइस्चर लैडन विंड्स फ्रॉम, मॉइस्चर लैडन विंड्स जो बारिश लेके आती हैं, ठीक है, चाइना की तरफ से, साउथ वेस्ट की तरफ से जो चाइना की तरफ को जाती है, उससे भी प्रिवेंट करते हैं, ताकि हमारी कंट्री को ज़्यादा नुकसान ना हो. आपने देखा है कि हमारी कंट्री में ना इतनी बारिश होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, सारा कुछ मॉडरेट होता है ना. द माउंटेन्स एरियाज, द माउंटेनस एरियाज हैव अ लॉट ऑफ फ्लोरा फौना एंड इवन मिनरल्स. अब माउंटेनस एरिया में एक और चीज़ आपने देखी क्या? फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स फूल, फौना मीन्स एनिमल्स, एंड इवन मिनरल्स मीन्स जो आपके आपके मिनरल्स होते हैं. दे ऑल्सो हैपन टू बी सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स. अब आपने ये भी देखा है कि ये टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, जैसे शिमला में अब गए हो, हिल स्टेशन है वो, ठीक है, ऊटी हो गया, मसूरी हो गया, शिलांग हो गया, तो ये सारे माउंटेन्स ही हैं, बट ये हिल स्टेशन हैं, इसको हम टूरिस्ट स्पॉट्स भी कहते हैं, यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए भी आते हैं. दिस स्लोप्स एक्ट एज रिच ग्रेजिंग लैंड्स टू. और जो स्लोप्स होते हैं वो रिच ग्रेजिंग लैंड्स जैसे भी होते हैं, मीन्स ग्रेजिंग मीन्स वहाँ पे एनिमल्स अपना चारा भी कर सकते हैं, खा सकते हैं. सम माउंटेन्स आर ऑल्सो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. और कई माउंटेन्स को हम मिनरल्स के स्टोर हाउस भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि माउंटेन्स, हमने कौन सा एक एग्जाम्पल देखी नंदा देवी, माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफरेंस है हमने ये देखा, माउंटेन रेंज क्या होते हैं वो देखा, और इम्पॉर्टेंस क्या है माउंटेन्स के हमने ये देखा. अब नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे रिवर्स एंड प्लेन्स. इसकी एक गुड टू नो के साथ एक देख लो, वैली ऑफ फ्लावर्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ.
इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द आइडियल टाइम टू विजिट इट इज बिटवीन जुलाई टू अगस्त. अब ये उत्तराखंड में एक जगह है जिसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं. यहाँ पे बहुत खूबसूरत फ्लावर्स ग्रो करते हैं. ये इंडिया में ही है, उत्तराखंड में. अगर आपको घूमना हो तो आप जुलाई अगस्त में जाकर इसको घूम सकते हैं. ठीक है, तो आपके इंडिया में भी ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं. फाइन, थैंक यू.